बात अब सोनीपत की करेंगे, जहां पर अपराधियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि अपराधियों ने पुलिसकर्मियों को ही मौत के घाट उतार दिया। हालांकि घटना के करीब 17 घंटे बाद ही सोनीपत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जबकि उसके एक अन्य साथी को जिंदा पकड़ लिया है। सोनीपत के बुटाना चौकी में तैनात सिपाही रविंदर और एसपीओ कप्तान द्वारा तेजधार हथियारों से हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने महज 17 घंटे में ही बदमाशों को धर दबोचा। सोनीपत पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अमित और उसके एक साथी की गुप्त सूचना के बाद जींद में एक मकान में रेड डाली गयी, जहाँ ये दोनों बदमाश मौजूद थे। पुलिस द्वारा घिरे जाने के बाद बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। आपसी मुठभेड़ में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी अमित को पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि उसके साथी संदीप को पुलिस ने जिंदा पकड़ लिया। इसी दौरान हमारी सीआईए टीम द्वारा संदीप को डिटेन किया गया, उसको राउंडअप किया गया और उससे पूछताछ के दौरान उसने पूरे के पूरे इस जुर्म को कबूला और उसने पूरी घटनाक्रम बताया और उसी की आगे इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारी पुलिस टीम द्वारा काम किया गया, जिसके तहत बाकी आरोपियों की पहचान हुई। इसीलिए ही उसको हम चेज करने के अंदर भी कामयाब हुए और जब उसने हमारे ऊपर अटैक किया पुलिस का हमें मतलब कि जो भी जवाबी कार्रवाई थी और उसमें फिर वो उसको इंजरीज हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आरोपी संदीप को न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया गया है, ताकि घटना में शामिल अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जा सके। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त बदमाशों के साथ महिला भी मौजूद थी। पुलिस अब आरोपी को रिमांड पर लेकर मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। इसमें एक अरेस्ट हुआ अभी। क्या नाम है और कहां का रहने वाला है? इसका नाम संदीप और जींद का रहने वाला है। अभी कहां लेके जा रहे हैं सर इनको? अब अदालत में पेश करेंगे। महिलाएं भी कुछ इसके बारे में तफ्तीश कर रहे हैं भाई। क्या आरोप था सर इस पे? इस पर आरोप घटना पूरी घटना में शामिल है। ये क्यों किया था सर? पूछताछ में कुछ खुलासा किया हो? बताया आज कोर्ट में पेश कर पुलिस मंडल फिर गहनता से पूछताछ करेंगे। नहीं कुछ शुरुआती जांच में अभी कुछ क्या कारण जांच हुई? गिरफ्तार किया अभी। क्या कारण था? पूछताछ नहीं हो पाई है, अचानक शराब पी रहे थे, अचानक घटना घटी है। टोटल कितने आरोपी बताए जा रहे हैं सर? टोटल 4। पुलिस कर्मियों की इस तरीके की बेरहमी से हत्या किए जाने के बाद पूरा मामला गरमा गया है। एक तरफ गृह मंत्री अनिल विज ने जहां पुलिस कर्मियों की निंदा करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। नहीं, ये बहुत संगीन मामला है और मैंने डीजीपी को कहा है कि वो स्वयं वहां पर जाएं और इसके बारे में कार्रवाई की जाए। किसी को भी इस प्रकार का करने का हौसला हो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और जो भी मैंने कहा है कि चाहे सारे हरियाणा की फोर्स लगानी पड़े, सारे हरियाणा की फोर्स लगाई जाए और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। वहीं इस घटना के बाद से आम आदमी की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा हो गया है। आखिरकार आम आदमी की सुरक्षा करने वाली खाकी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी तो राम भरोसे हुई, क्योंकि आम आदमियों की सुरक्षा करने वाली पुलिस की कत्ल की घटना की सूचना भी आम आदमी द्वारा पुलिस को दी गई। घटना देर रात की है और सुबह तक पुलिस कर्मियों के शव सड़क पर पड़े रहे। ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने आ गई है। सोनीपत से कविता शर्मा, गोहारा से सुनील जिंदर और अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। टोटल न्यूज़।